नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्ट चीज देख रहे हैं, बिहार निकाय चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थगित करना पड़ा क्योंकि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट ही कुछ ऐसा आया जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब संजलिश गैशो हमारे साथ मौजूद है। अब हम देख रहे हैं आपको भी कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, हमारी भी फोन की घंटियां बज रही है, ऑफिस के भी फोन की घंटियां बज रही है। लोग ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे थे, हिस्सा ले रहे थे, फिर प्रत्याशी थे। अब निकाय चुनाव कब होगा, कितना समय लगेगा, क्योंकि अब कोर्ट कह रही है आयोग का गठन करने के लिए काफी सारे मामले हैं इसमें, तो कब होगा, 2 महीना 3 महीना कब तक? देखिए आलोक, लगातार कॉल्स आ रहे हैं, ये बात सही है। क्योंकि देखिए लाइफ स्थिति से जो इस चुनाव से जुड़े लोग हैं उन्हें बड़ा भरोसा है, चाहे वो उम्मीदवार हो चाहे मतदाता हो, क्योंकि सबसे अधिक खबरें और सबसे तेज अपडेट हम ही दे रहे थे। देखिए आपको पता है चुनाव रोका जा चुका और आप जानना चाह रहे हैं कि चुनाव अब कब होगा। देखिए कल विजयादशमी थी और बिहार का हाल ये बताए कि कल पूरे बिहार में यदि चुनाव स्थगित न होता तो उम्मीदवारों की ओर से, चाहे वो नगर पंचायत है, नगर परिषद है या नगर निगम है, उनके इलाकों में उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के लिए मुर्गा भात और मीट चावल की पार्टी दे रखी थी। मछली चावल भी था? मछली चावल भी था। आप ही बता रहे थे आपके मोहल्ले में भी दो दो जगह पार्टियां थी। देखिए और कितना खर्च हुआ। अभी से कुछ देर पहले जमुई के हमारे एक सूत्र बता रहे थे कि उनके जानने वाले एक उम्मीदवार ने 70 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। देखिए हम पटना की बात करें, पटना में मेयर पद के 32 उम्मीदवार जिनमें 6 तो बहुत ही गंभीरता से लड़ रहे थे और माना यह जा रहा था कि कम से कम खर्चा जो होगा 5 से 7 करोड़ रुपया होगा पर उम्मीदवार, पर उम्मीदवार जो गंभीरता से लड़ रहे थे। बड़ी बड़ी आईटी सेल सभी लोगों ने उनकी सेवाएं ले रखी थी, पूरे परिवारों के उतर गए थे। हाँ, सभी लोग उतरे हुए थे। तो देखिए 2-2 करोड़ रुपए तो प्रत्येक उम्मीदवारों के खर्च हो गए, तो सैकड़ों करोड़ से अधिक खर्च के बाद बिहार के उम्मीदवारों का यह चुनाव रोक दिया गया। अब आपके असली सवाल पर आते हैं कि यह चुनाव कब होगा। उम्मीदवारों को लग रहा है जल्द हो जाएगा, लेकिन क्या यह सच में संभव है? देखिए जब पटना हाईकोर्ट ने चुनाव को रोका, पटना हाईकोर्ट ने पूर्ण चुनाव को रोकने का आदेश नहीं दिया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था जहां ईबीसी ओबीसी रिजर्वेशन किया गया वहां चुनाव रोकिए, लेकिन आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए पूरे चुनाव को रोक दिया क्योंकि काफी हौचपौच की स्थिति है। हाँ, काफी हौचपौच की स्थिति हो जाती है। और अब बिहार सरकार का यह मत आ चुका है, कल संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। देखिए हमने कल सुप्रीम कोर्ट में भी जानने की कोशिश की थी, जब पटना हाईकोर्ट में बहस चल रही थी तो पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से दलील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह आए थे। हमने कल दिल्ली के अपने रिपोर्टर सौरभ से कहा था कि विकास सिंह से बात कीजिए, क्या उम्मीदें लगती हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में दलीलें दी थी चुनाव कराए जाने के पक्ष में जो वर्तमान नियम है। तो देखिए विकास सिंह अभी देश से बाहर है, इंडोनेशिया बाली गए हुए हैं, वे जब लौटेंगे तो उनसे हमारे रिपोर्टर बात करेंगे। लेकिन देखिए समय कितना और समय कितनी देरी कितनी जल्दी, इस पर हम आते हैं। बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर क्या होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी तो कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए ऑर्डर जो कृष्णामूर्ति में था, जो गबली में था, जो सहनी में था, उसके आलोक में दिया गया है। तो पहली बात तो ये होगी कि पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए बिहार सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जा रही है उसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए मंजूर करे। यदि सुनवाई के लिए मंजूर हो जाता है तो फिर आपको चुनाव के लिए तब तक रुकना होगा जब तक फाइनल सुनवाई ना हो जाए। तो संभव यह है कि सुनवाई एक बार में हो, दो बार में हो, तीन बार में हो, इसमें कितना वक्त लगता है, किसको किसको पक्ष बनाया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग वह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा कि उसे पक्ष बनाया जाएगा, तो उसमें भी वक्त लगेगा और वक्त कितना लगेगा कोई नहीं जानता। देखिए दूसरी जो उम्मीद है जो बिहार सरकार कर रही है, जिस पर मुझे लगता है कि सफलता नहीं मिली है, कि सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर होते ही पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर देगा और चुनाव कराने को मंजूरी दे देगा पहले के फार्मूले के तहत, यह संभव
नहीं लगता है अब तक जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने जो बातचीत की है उनके मुताबिक यह संभव नहीं होगा। अब देखिए तीसरी संभावना क्या है, तीसरी संभावना यह है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे न करे, चुनाव कराने का परमिशन न दे और याचिका की सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए ऑर्डर्स के मुतल्लिक बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दे। तो देखिए जब बिहार सरकार की याचिका खारिज हो जाएगी तो फिर तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी और बड़ी समस्या क्या पैदा हो जाएगी कि आप अपने फार्मूले के तहत जो बिहार सरकार कह रही है कि हमने तो बैकवर्ड कमीशन पहले बना रखा था या हमने 2007 में 2012 में 2017 में पुराने फार्मूले के तहत हमने चुनाव कराया उसी फार्मूले के तहत हम चुनाव कराएंगे तो वो संभव नहीं होगा। अब देखिए वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में ये करना होगा यदि आप जल्दी चुनाव चाहते हैं लेकिन वह भी बिहार सरकार नहीं कराएगी कि पटना हाईकोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट ने स्टे करते हुए क्या कहा, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ईबीसी ओबीसी के लिए जो सीटें आपने रिजर्व की बिना डेडिकेटेड कमीशन बनाए हुए उन्हें अनरिजर्व करते हुए मतलब अनारक्षित करते हुए जनरल बनाते हुए आप चुनाव करा सकते हैं। तो देखिए बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो रिजर्वेशन है वो ब्रेड एंड बटर है तो बिहार सरकार यह रिस्क नहीं लेगी क्योंकि इसके बाद ये हो जाएगा कि अति पिछड़ों के लिए आरक्षण खत्म, आरक्षण दिया आपने अगर तो छीना भी आपने कोर्ट के आदेश के बाद आपने उसे जनरल कर दिया। देखिए कोर्ट का ऑर्डर है, छीनने का आरोप तो बिहार सरकार पर देखिए राजनीतिक आरोप लगेगा लेकिन बिहार सरकार या कोई भी सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है और जो सामाजिक बुनावट है उसमें हिम्मत नहीं होगा। देखिए यह भी सही है कि जब आप आरक्षित कर रहे थे सीटों को तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पता नहीं कैसे क्या किया, नहीं पता मुझे। देखिए अब मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरपुर में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों को रिजर्व कर दिया गया। इसी तरीके से कई नगर पंचायतों में हुआ, नगर परिषद में हुआ जिससे गांव विवाद बढ़ा। तो देखिए अनरिजर्व करके जनरल कैटेगरी बना करके अब इसको आप ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि यदि सीटें रिजर्व हैं तो वहां ईबीसी वाले ही लड़ेंगे, मतलब आपस में ही लड़ेंगे जो आरक्षित कोटे के उम्मीदवार हैं, लेकिन यदि वो सीटें जनरल हो जाएगी अनरिजर्व हो जाएगी तो वहां बड़ी जातियों वाले लोग भी लड़ेंगे और ईबीसी वाले भी लड़ेंगे तो फिर जीत की गारंटी किसकी रहेगी यह कोई नहीं जानता है, किसका दबदबा चलेगा। तो मुझे इस बात की तो उम्मीद कम लगती है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाए तब भी पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत सीटों को अनरिजर्व करके बिहार सरकार चुनाव करा देगी, यह संभव नहीं है। अब देखिए जो तीसरी बात है जिसमें चुनाव और भी टल सकता है कि आयोग बने जैसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो देखिए अब इसमें राजनीति तो चल ही रही है बिहार में, आप समझिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कह रही है, ललन सिंह कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, वो आरक्षण छीनने का प्रयास कोर्ट के माध्यम से कर रही है। देखिए कोर्ट पर ऐसा आरोप लगाया जाना हम इससे सहमत नहीं होते, खैर राजनीतिक आरोप राजनीतिक आरोप होते हैं। तो बीजेपी कह रही है यह सब नीतीश कुमार की गलती है, जिद के कारण है, जिद के कारण है। ललन सिंह कह रहे हैं कि देखिए हम तो वही कर रहे थे जो 2006 में आरक्षण हम दिए थे और उस समय तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे, लेकिन 15 सालों में कुछ नहीं हुआ। हाँ तो देखिए जब डेडिकेटेड आयोग की बात होगी अब देखिए राजनीति कहां जाएगी, जब जातिगत आरक्षण को लेकर बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो महागठबंधन की पार्टियां हैं आंदोलन कर रही थी, केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही थी, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि जातिगत आरक्षण के पक्ष में हम नहीं है। जेडीयू कह भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा गया, लेकिन हमने अपने पैसे से अपने संसाधन से जातिगत आरक्षण कराने का फैसला किया है। हालांकि उस जातिगत आरक्षण का वैधानिक बहुत ज्यादा महत्व नहीं होगा, लेकिन अब देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस डेडिकेटेड कमीशन की बात कर रहा है और जिसके आधार पर पॉलिटिकल बैकवर्डनेस मतलब निकायों में चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, वहां तय किया जाना है, तो अब तो जो वैधानिक आयोग बनेगा, जो डेडिकेटेड कमीशन बनेगा, वह बाद बाद में जाकर इस बात को पता करेगा। आधार एक बनाना पड़ेगा, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि यहाँ ईबीसी होना चाहिए? हाँ तो अब तो एक एक मतलब इस बाद में किस जाति के कितने लोग हैं, तो फिर वही बात हो गई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो कहा कि जातिगत आरक्षण जरूरी है तो आप वैसे नहीं करा करके अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मतलब जातिगत गिनती तो होनी है, होनी हो जाएगी, जातिगत गिनती होगी, कास्ट सेंसस होगा, यह करना होगा, तभी आप क्या बोलते हैं चुनाव करा पाएंगे रिजर्व करके। तो अब यह जो मसला है यह चुनाव बहुत जल्द होता, क्योंकि देखिए मैंने कई लीगल एक्सपर्ट से बात की जो इस मुकदमे में
पक्षकार के भी वकील थे और मतलब दोनों पक्षों के वकीलों से हमने बात की, वे भी कह रहे हैं कि इस बात की तो उम्मीद लगती नहीं है कि बिहार सरकार वहां याचिका दायर करे। और हाई सुप्रीम कोर्ट पहली ही सुनवाई में पटना हाई कोर्ट के निर्देश को स्टे करके चुनाव कराने की अनुमति दे दे, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया है। और देखिए, जब सुनवाई हो रही थी, फैसला सुनाया जा रहा था, तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल साहब ने कहा कि मैं इस फैसले को सुनाने के लिए 3 रात तक सोया नहीं। मतलब कितनी गंभीरता से फैसला लिखाया गया, आपको यह भी पता है कि महानवमी के दिन कोर्ट खोला गया इस फैसले को सुनाए जाने के लिए। तो उम्मीदवारों की देखिए, उनकी हालत तो बहुत खराब है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और कई उम्मीदवार यह मान रहे हैं कि उनके चुनाव चिन्ह जो आवंटित किए गए हैं, जिनके चुनाव हाईकोर्ट ने नहीं रोके थे, उनके वही चुनाव चिन्ह आगे भी कायम रह जाएंगे, यह एक अनुमान अभी लगा सकते हैं। लेकिन यदि संपूर्ण तौर से चुनाव की प्रक्रिया बदलती है तो क्या होगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। देखिए, कितना समय लगेगा ये तो खैर आप समझ रहे होंगे, ये भी नहीं है कि तुरंत चुनाव हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता नहीं, नहीं, समय तो लगना ही है। अब कितना समय लगेगा वो तो खैर कोर्ट के डिसीजन पर ही, और उसके बाद फिर जब आयोग का गठन करना होगा, कास्ट सेंसस होगा, तभी फिर आगे ये बातें हो पाएंगी। बहरहाल आप, मुझे लगता है देखिए कि 2022 में यह चुनाव होता संभव नहीं, 2023 में ही होगा जी, लगभग। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम सब रहे हैं, इस वीडियो में आपने समझा होगा कैसे मामला अटका और अब आगे सरकार क्या करने जा रही है, कैसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जाएगा, उसके बाद वहां से क्या नतीजा आता है, और उसके बाद फिर आयोग का गठन होता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।